हेलो मुखिया जी, मेरे पास जो सबूत थे उसके आधार पर मैंने आपको ऑब्जेक्शन किया। अगर मैं गलत हूँ तो आप अपना सबूत अगले मीटिंग में दिखाइए और हमें गलत साबित कीजिए। अगर आप गलत साबित नहीं कर सकते तो ये जंग जारी रहेगी। और आप लोगों से निवेदन है कि अगले मीटिंग में सबको एक साथ जाना है और एक साथ सारे सवाल और डिस्कस करेंगे कि क्या सच है क्या झूठ है, एक साथ देखेंगे। ठीक है, अगर हर गांव से आवाज उठने लगे तो किसी के बाप की औकात नहीं जो गलत काम कर सके। करप्शन तो हम लोग बढ़ाते हैं, हमें डर है। हम सवाल उठाते हैं अपने प्रधानमंत्री पे, हम सवाल उठाते हैं मुख्यमंत्री पे, अपने पे सवाल उठाएं कि हमारी औकात नहीं है कि हम अपने मुखिया के सामने आवाज उठा सके। और ये जो लोग कहते हैं करप्शन वाले, ये गांधी को गाली देते हैं। गुलामी में वही गांधी था जो अंग्रेजों की महारानी के खिलाफ आवाज उठा दिया था कि तुम गलत हो, और हम लोग अपने मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। लोकतंत्र में रहते हैं लेकिन मुखिया के सवाल नहीं पूछ सकते। जानते हैं मुखिया कल को उठवा लेगा आपसे, उठवा लेगा कि नहीं उठा लेगा। आप नीतीश कुमार को गरिया देते हैं क्योंकि जानते हैं कि वो बेचारा, उनके संविधान ने हाथ बांध के रखा है, कुछ नहीं कर सकता। अपने गांव के वार्ड मेंबर को कुछ नहीं कर सकते, उठा लेगा रात को, धो देगा, चार लाठी शांत दे देगा, सब गांधीगिरी निकल जाएगा वहां। जिस दिन भारत के 120 करोड़ 130 करोड़ लोगों के 260 करोड़ हाथ एक साथ अगर उठ जाए करप्शन के खिलाफ, किसी के बाप की औकात नहीं है जो भारत माँ का एक रुपया लूट के दे।